दिस वीडियो ऑल्सो हैव सबटाइटल्स, यू प्लीज पुट ऑन द कैप्शंस बिकॉज आई हैव डन दिस बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर नॉट फ्रॉम इंडिया, सो मीन्स 20% सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम इंडिया एंड रेस्ट आर फ्रॉम अब्रॉड, सो दैट्स वाई आई हैव पुट द कैप्शंस ऑन. मीन्स सब टाइटल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, सो पुट द कैप्शन ऑन एंड रीड इट एंड एन्जॉय द वीडियो. तो गाइज अभी मैं मेरा मेरे मेरे पीसफुली मेरे वीडियोस बना रहा था, मेरे स्टडी पर फोकस कर रहा था और स्कूल में वेनेसडे को इलेक्शंस आने वाले थे, मतलब मंडे को मैंने BGMI का वीडियो डाला और लगेज वेनेसडे को मतलब मेरे इलेक्शंस थे, तो उसके जो प्रचार है उसमें मैं मतलब कैंपेन में बिजी था. लेकिन ये भाई, ये मेरा दोस्त आर्य घोगे नाम का, उसका गेमिंग चैनल है ड्रैगुमार गेमिंग जिसपे वो गेमिंग वीडियोज़ नहीं डालता, उसने मतलब मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया. अभी मैं मेरे एग्जाम्स पे मतलब थोड़ा फोकस हटा के अभी इस पे फोकस कर रहा हूँ. मतलब इसको क्या लगता है कि मतलब आते जाते किसी को भी रोस्ट कर दे, मतलब ये पहला वीडियो इसका रोस्ट का, लेकिन किसी को भी रोस्ट कर दे भाई, और भी टॉपिक्स है उधर जाके रोस्ट कर, मुझे ही क्यों रोस्ट कर रहा है. लेकिन अभी उसने रोस्ट किया है तो उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा. तो चलो गाइज बिना किसी रुकआउट के शुरू करते हम लोग. तो मैं अभी आपके सामने एक क्लिप दिखाऊंगा, तो वो क्लिप आप देखना और आपको पता चल जाएगा कि वो मतलब उसको उसके वीडियो पे वो खुद को ही रिस्पेक्ट दे रहा नहीं है. तो देखो यार ये क्लिप. तो कल ये हुआ भाई, तुझे वो ड्रैगन और गेमिंग मालूम है क्या? हाँ, वो लूडा जो है बिल्ली के वीडियो बनाने वाला. तो भाई यार ऐसा कौन करता है, खुद के वीडियोस पे खुद को ही रिस्पेक्ट ना देना, मतलब खुद की इज्जत बेइज्जती करना, ऐसा कौन करता है भाई यार. मतलब ऐसा है ना, चूती लोग करते हैं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ चूती ये लोग करते हैं भाई. अपनी वीडियोस पे अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो व्यूज़ कैसे आ रहे तुम्हें, और अगर व्यूज़ आ रहे तो मतलब 100% वो जो व्यूज़ है मतलब आपका वॉचिंग टाइम रहता है वो नहीं बढ़ रहा है, खुद के ही व्यूज़ आप काउंट कर रहे हो. मतलब क्या यार ऐसा, जाने दो इन लोगों के ना, मतलब ये लोग बहुत बेशरम रहते हैं, इनको काम धंधा रहता नहीं. अभी वो बोल रहा है, उसने वीडियो में मेंशन किया कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ. ना भाई, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स अलग है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है. ये अभी अभी मतलब 6-7 महीने पहले दोस्त बना है तो लगे बेस्ट फ्रेंड. भाई तू मानता होगा, मैं तो नहीं मानता, और इस बात से तो अभी मैं तुझे फ्रेंड भी नहीं मानूंगा अगर तू ऐसे हरकतें करने लगा तो. और भाइयों, इसने इसकी गलती मान भी ली है कि मतलब इसने एक वीडियो डाला है माई कैट इज प्रो, और उस पर गाना कौन सा है, लेम्बोर्गिनी पीले रंग दी. तो मतलब तू कौन सा भी गाना डालेगा, और मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ. तो ये है वो वीडियो, अभी भी चैनल पे अवेलेबल है. तो गाइज हुआ ऐसा था कि गाइज मैंने अपना स्टफ टॉय निकाला था और मेरी बिल्ली जस्ट उसके साथ खेलने लगी थी. तो गाइज मैंने सोचा फनी वीडियो होगा, मस्त वीडियो होगा, तो मैं यूट्यूब पे गया पोस्ट करने लगा. बट गाइज मुझसे ऐसी गलती हुई कि मैंने गलती से ये दबा दिया. गाइस मैंने सोचा कि यार गाना तो वैसा ही दब चुका है तो टाइटल भी वैसा ही डाल लेते हैं. तो अभी आपने इसकी क्लिप देखी ली होगी, मतलब इसने गलती से वो बटन दबा दिया वो गाने का, और फिर इसलिए उसने माई कैट इज प्रो नाम का टाइटल भी दे दिया उस शॉट को, और फिर वही शॉट इतना वायरल हो गया. ठीक है, हुआ होगा, लेकिन मुझे ना ये फेक लग रहा है, क्योंकि अभी शॉट है 15 सेकेंड्स का है, शॉट को ऐसे कंटिन्यू चालू भी रख सकते, तो ये चालू रख के चला गया होगा, धपा धप व्यूज मिल रहे भी होंगे, क्या मालूम यार. ऐसे वैसे भी ऐसे वीडियो ना कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, अगर होगा तो वो भी मतलब एकदम ऐसे वीडियो मुझे तो नहीं लगता यार इतने वायरल होने चाहिए. जब जंग छिड़ चुकी है तो हम भी थोड़ा सा जुड़ जाते हैं. तो आज हम रोस्ट करने वाले वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड 38. और पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अपने चैनल का नाम लिख रहा है या फिर कोडिंग कर रहा है. तेरा तो गेम बजाना. तो अभी मैंने दो क्लिप्स दिखाई आपको. पहली क्लिप में वो उसका कहना है कि मुझे वॉर करना है. भाई ना, मुझे वॉर नहीं करना है, मैं मेरे पीसफुली वीडियोस बना रहा हूँ, तू आके मेरे पे वीडियो बना रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है. और ये चीज़ें पर्सनल थी, तूने अभी इधर सामने लाई ना, तो अभी मैं भी तेरी पर्सनल चीज़ निकालता हूँ. और ये कौन सा रूल है कि अपने नाम मतलब अपने चैनल पे हम अल्फ़ाबेट से डाले, नाम नहीं मतलब नंबर से डाले. हाँ भाई, तूने तेरे चैनल मतलब तेरे चैनल के नाम में पहले आर्य घोगे था,
अभी ड्रैगो मार गेमिंग है, अभी मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये फोटो। तो इस फोटो पे से आपको क्या लगता है, ये फोटो मतलब इसको केला खा, केला मुंह में ले रहे, चूसना चाहता है ये? अरे क्या लोग है भाई, पहले खुद के चीज़ें जो है वो सुधारो। वो पहले वाला इसका लोगो था अच्छा था, अभी उसका फोटो नहीं है मेरे पास, लेकिन उसका पहले वाला लोगो अच्छा था, और इस लोगो पे ये इसको केला चूसना है यार। इसके डायरेक्ट चैनल के लोगों पे आप जाके सर्च मार लो, लेकिन सब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब इधर ही रहने दो। हाँ हाँ ओके, तो इसका चैनल देख लेते हैं। ओके, ये गेमिंग वीडियोस डालता है, और यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ये इतने लोग गेम खेलता है भाई साहब, तुम लोग देख ही सकते हो, ये इतने बेकार बेकार से गेम खेलता है। और भाई साहब हमको बता रहे यार, मतलब ये क्या चल रहा है। आपने ये क्लिप देखा ही होगा, ये क्लिप्स मैंने इसके वीडियो से रिकॉर्ड करके निकाल लिए। तो इसको मतलब ये बोल रहा है कि मैं अच्छी वीडियो नहीं बनाता, तो कि तू कौन सी अच्छी वीडियो बना रहा है? हाँ, तूने माय कैट इज प्रो और सरू अजी थग लाइफ और वो क्या टाइगर ऑन लायन ऑन स्ट्रीट वाओ, ये क्या अच्छी वीडियोज है? तेरा चैनल गेमिंग का है भाई, तू गेमिंग के वीडियोज डालना। मेरा चैनल गेमिंग का, मैं गेम के वीडियोज डाल रहा हूँ, मैं मेरे टॉपिक से स्ट्रिक्ट हूँ। तू स्ट्रिक्ट है, पहले तेरा टॉपिक जो था उस पे तू आर्य घोगे था, ठीक है, उस टाइम पे तू गेम वगैरह कुछ भी डाल सकते क्योंकि तेरा नाम है उधर। लेकिन अभी तूने डायरेक्ट दिया ड्रैगो मार गेमिंग, गेमिंग में तू थोड़ा फार रोस्ट कर सकता है, एक हाथ दो वीडियो रोस्ट के डाल सकता है, लेकिन तू डायरेक्ट ऐसा थोड़ी ना मतलब कैट इज प्रो और वो डाल सकता है। भाई सोचा कर, मेरे चैनल के नाम को कोडिंग का नाम दे रहा था, हाँ ठीक है कोडिंग का नाम, तेरा क्या जाता है भोसड़ी के? लोगों की वजह से इंडिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। अरे कैरी भाई, फिर आप क्या करते हो? तू रुक, हम बाद में बात करेंगे, समझा? मेरे 50 रुपया दे दियो। तो अभी आपने ये क्लिप देखी, इसमें इसने कैरी मिनाटी ये जो बड़े यूट्यूबर है उनका मतलब उनका फोटो डाल के उनकी आवाज में बोलने की कोशिश की, लेकिन ये कहता है कि मतलब मुझे बोल रहा था मेरे BGMI के वीडियो पे क्या मैं साउंड मतलब वॉइस ओवर नहीं कर सकता था क्या? भाई देख, मेरे को वॉइस ओवर नहीं करना था, मेरे पास वो पोटेंशियल है, मैं मेरे मुंह से ऐसा बोल सकता हूँ, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम जा रहा है बे? अरे मैं मेरे आवाज़ से बोल रहा हूँ, और तू कैरी मिनाटी की आवाज़ में बोलता है वो चलता है? मतलब हम करे तो मतलब पाप, तुम करो तो अच्छी चीज़। ऊपर से ये स्टार्टिंग में मेरे को गाली भी दे रहा था वीडियो में, और इसने उसके वीडियोज़ में बोला भी है कि ये गाली देता है। भाई मैंने सिर्फ टाइटल में डाला है और डायरेक्ट स्पेसिफिक गाली नहीं दी है, और तेरे को मेरे को बता गांड गाली हाँ तेरे को है नहीं नहीं है तेरे पास साला, बैठता किधर है फिर, बैठता किस में? अरे पता नहीं, बक बक किए जा रहा है सिर्फ। और ये कैरी उसने बोला ना 50 रुपये दे दियो, वो कैरी मिनाटी सर ने इसको बोला है, लगता है कैरी मिनाटी ने कैरी मिनाटी सर ने उसके मुंह में दे दिया है, इसलिए वो अभी उससे पैसे मांग रहा है। क्यों अभी उसका रीज़न मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल सकता अभी इसके बारे में, लेकिन अभी ये और क्या कह रहे हैं मतलब 50 रुपये दे दिए, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आई नीचे कमेंट सेक्शन है यार जाके प्लीज़ बताना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, और ज़रूर कमेंट करना गाइस, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करो, करते नहीं हो। अभी इस चीज़ के बारे में मुझे आंसर चाहिए, मतलब मुझे समझ रहा नहीं, आपको अगर समझ में आया होगा नीचे कमेंट सेक्शन है उधर जाके मुझे बताना। और फिर उसने मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में गाली दी मुझे भी, अभी वो क्लिप नहीं है मेरे पास, लेकिन इसने वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे गाली दी तो ठीक है, मतलब हाँ उसने गाली दी मुझे वो चलता है, लेकिन अगर मैंने मतलब मेरे वीडियो में सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया गांड और WTF में मतलब मैंने डायरेक्ट स्पेसिफिकली बोला नहीं कि मैं व्हाट द फक बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ WTF डाला है, मैं व्हाट द फक भी डाल सकता था लेकिन नहीं डाला है, और अभी मैं इतना वॉयलेंट हो चुका हूँ कि मैं अभी इस वीडियो में गाली दूंगा। और अगर तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर रोस्ट मत कर, वो वीडियो डिलीट कर, मैं कॉपीराइट क्लेम भी डाल सकता हूँ लेकिन नहीं डाला, वो वीडियो डिलीट होना चाहिए जल्द से जल्द। अभी गाली दिए बिना वीडियो बना ही नहीं सकते। और एक देख लो भाई साहब, तो भाई जैसे कि तुमने डिस्क्लेमर में देखा ही था कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, तो ना कि उसको तुम हेड दो और ना कि मुझे,
और भाई देवी अगर तुम्हें इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो 30 लाइक कर देना। तो अभी ये बहन को लड़ा पर्सनल हो गया तो मैं भी पर्सनल हो जाता हूँ, ठीक है। मैं किसी से मतलब डरता नहीं, इससे तो बिल्कुल नहीं डरता, इसको मैं एक कान के नीचे दूंगा डायरेक्ट जमीन के अंदर लेट जाएगा साला। तो ये क्रिकेट खेलता है ना, तो इसको सादा मतलब मैंने बोला वो जो छोटे बच्चों के साथ टेस्ट मैच खेल रहे थे वो हमसे ऐसे ही पंगे ले रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है टेस्ट मैच खेल रहे थे, उन लोगों ने 10-12 बंदे लाए, ज़्यादा ही लाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी मैंने सबको वो है ना सिर्फ बैट घुमा रहे थे, मैंने सबको क्या बोला मेरे टीम मेट्स को कि लाइन मतलब स्टम्प के पास बॉल डालो, वो सब स्टम्प्स के पास बॉल डाल रहे थे लेकिन वो स्टम्प्स के ऊपर से जा रहा था, और ये साला ये वाइड लाइन के 5-10 मीटर दूर डाल रहा था बॉल। इतना कौन वाइड डालता है भाई, मतलब इससे अच्छा वो छोटे बच्चे डाल रहे थे। ये छोटे बच्चे आए, पहला बॉल इसको डॉट दिया, दूसरे बॉल पे ये आउट, ये साला 7th स्टैंडर्ड में वो तीसरी चौथी के बच्चे इसको आउट करके जा रहे, इसको मतलब शर्म ही नहीं है, बहुत मतलब बेशर्म बच्चा ये सच्ची बताऊँ तो। और है ना ऐसे लोगों के लिए आप कमेंट्स में बताना कौन सी गाली बेस्ट शूट करेगी, मैं मतलब मुझे गाली सूझ नहीं रही है, कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना गाइस, इस बार कमेंट्स मिस नहीं होना चाहिए, कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना। अब भी डालो कमेंट में, वीडियो चालू है अभी डालो कमेंट में कि आपको कौन सी गाली आर्य घुगी के लिए शूट होती, जल्दी से जाके कमेंट में बताना। अरे इन लोगों को है ना मतलब जाओ कमेंट्स में जाके गाली दो, जितनी गाली बकनी उतनी गाली बको। अरे तो चलो अभी मैं भी जाता हूँ, मुझे भी अभी इलेक्शन आ रहा है तो उसका वैसे 10 वोट से आ रहा हूँ मैं इलेक्शन, इतने बड़े वोट से नहीं आ रहा हूँ, हाँ टेंशन मत लेना, वो मेरे को 137 वोट थे और जो जीता उसको 147 थे, ठीक है। और वो लाल कलर का बटन है ना, हाँ तो उस पर ये आर्य घुगे फेंक के मारो या उसको गाली फेंक के मारो कुछ भी मारो, मुझे पता नहीं क्लिक होना चाहिए, और वो बेल वाले आइकन को भी दबा देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको रोस्ट चाहिए ऐसे तो गाइज यार अभी इसमें मैंने बहुत कम गालियाँ दी, इससे भी बढ़कर गालियाँ दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में वो भी बताना, तीन चीज़ें बतानी उसको मैं उसके लिए कौन सी गाली शूट होती है, वो 50 रुपये किस लिए दे कैरिमिनाटी को 50 रुपये उससे किसके लिए लेने हैं, और फिर आपको वीडियो चाहिए या नहीं, ये तीनों चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब बताओ आप लोग। चलो अभी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, गुड बाय।